फीडबैक आया वो इस तरह से आया, बेसिकली जर्मनी, हंगरी और लंदन से हमें ये फीडबैक आया कि वहाँ पर बहुत महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, ये महिलाएं, और वो इस प्लेटफॉर्म को काफ़ी फॉलो कर रही है वर्कफॉर को। इसलिए इस साल से हमने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है ग्रो, जिसमें हमने जर्मनी, लंदन और हंगरी में अपने कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं महिलाओं को, जो वहाँ पर वर्कफॉर के लिए कार्य करेंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरी टीम से कि वो लोगो लॉन्च कर दें ग्रो का, और फिर मीडिया अपने क्वेश्चन आंसर्स कर सकती है। ये है ग्रो, ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्कफॉर। देखिए, आर्या ग्रुप ऑफ कॉलेजेस ऑलरेडी 3 ईयर्स से गर्ल एजुकेशन में काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत हम लोग 201 गर्ल्स को एवरी ईयर फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इस साल हम वुमेन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड्स के साथ जुड़कर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम चाहते हैं कि ये हमारे को ऐसी कैंडिडेट्स दें जो डिज़र्विंग हैं, बट ड्यू टू सर्टेन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और अदर रीजंस आगे नहीं आ पा रहे हैं, पर बच्चों में जज्बा है कुछ पढ़ने का और आगे बढ़ने का। बिकॉज आई पर्सनली फील कि एजुकेशन इज़ द ओनली वे to get the country and get the women workforce ahead. तो अगर हम लोग बच्चियों को educate करेंगे, definitely हम उनको employable करेंगे और empower करेंगे। इसी motive के साथ हम लोग इस साल WAFTA के साथ जुड़े हैं, और मुझे खुशी है कि स्वीटी जी और उनकी पूरी टीम ने जो है इस बात को बहुत गंभीरता से लिया। गर्ल्स एजुकेशन पर उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, आज कैंसर की अवेयरनेस के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें 3 सेमिनार्स रखे जाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है, महिलाओं में रेगुलर चेकअप की कमी और इन सब चीज़ों की कमी की वजह से कई बार वो कैंसर भी बहुत बढ़ जाते हैं जिनका इलाज संभव हो पाता है। तो एक अच्छी बात है कि उन्होंने कैंसर के सेमिनार उन्होंने लॉन्च किया, कनेक्ट करके एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें रूरल एरियाज़ में जो महिलाएँ बहुत अच्छा काम कर रही हैं वो भी कनेक्ट हो पाए हमसे और हम भी कनेक्ट हो पाए उनसे। ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बहुत इंटीरियर एरियाज में जाकर के उन महिलाओं को भी पहचान सकें जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जिन्हें पहचान की ज़रूरत है और जिनकी अगर सामने लाने से बहुत सारी महिलाओं को प्रेरणा मिल सकती है। तो खुशी है हमें कि अवार्ड से मोटिवेट करने के साथ साथ सोसाइटी को कनेक्ट करने के लिए भी वोटफा ने एक बहुत अच्छा अपना ये प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं, और बहुत बहुत बधाई भी है वोटफा को। मैं तो पूरी टीम को, अजीत जी को, स्वीटी जी को और पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि आपने इंटरनेशनल लेवल पर अपने चैप्टर्स को लॉन्च कर दिया है, और आगे आने वाले सालों में आप वोटफा को और ज़्यादा बड़ा पनपता हुआ और इंटरनेशनल लेवल पर इस्टेब्लिश होता हुआ देखेंगे। वोटवा के साथ मेरा जुड़ना एक, मैं अपने आप को बहुत गौरव महसूस कर रहा हूँ कि स्वीटी सोनी जी और अजीत सोनी जी ने मुझे इसके साथ जोड़ा। मेरा जो इनके साथ रहेगा कि चाहिए जो इन्होंने कनेक्ट और कैंसर और ये जो 3 इन्होंने चैप्टर लॉन्च करे हैं आज, इन तीनों में मेरा हर तरह से तन मन धन तीनों तरह से मैं इनके साथ हूँ और हमेशा वोटवा के साथ जुड़े रहना चाहूँगा, क्योंकि ये एक अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ग्रामीण में, देश में और इंटरनेशनल लेवल पर जाके लोगों को, उनकी प्रतिभाओं को सबके सामने रूबरू कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा काम है, और हो सकता है कि भारतवर्ष में अब वो नारी नहीं रही जो पहले एक पिछड़ा वर्ग में माना जाता था कि भारत की नारी आज भी पिछड़े वर्ग में है, लेकिन आज ग्रामीण क्षेत्र में भी कई बच्चे हैं जो उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर अपना नाम कमाया, चाहे वो खेल में हो, चाहे एजुकेशन में हो और तरह तरह विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में, और उन सब के जो वोटफा के माध्यम से उन लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और इसके तहे दिल से शुभकामनाएं मेरी वोटवा के साथ है।